आज का टॉपिक सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन के बेसिक है। सीटी स्कैन होता क्या है, सीटी स्कैन या फिर इसको कैट स्कैन भी बोलते हैं, सीएटी कैट स्कैन। ये होता है कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी, मतलब एक तरीके का ये एक्सरे है। एक्सरे की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको अपन को कंप्यूटर से एडिट कर लिया है अपन ने। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे की जो रेज है वही एक्सरे रेज इसमें यूज होती है। बस इसमें ये रहता है कि एक्सरे क्या है, 2D व्यू देता है अपन को, जो सीटी स्कैन है वो 3D व्यू दे देता है। ठीक है, 3D व्यू देता है किस तरीके से, इसके ऊपर किसी भी पार्ट का एक्सरे सीटी स्कैन लेना होगा। सीटी स्कैन में क्या होगा, ये एक ही चीज के अलग अलग व्यूज मिलेगा। ठीक है, अब जो ये काटे हैं व्यू, ये व्यू जैसा ये है, इस डायरेक्शन है तो इसका 3D व्यू लेगा। इसका 3D व्यू मतलब यहां से बीम जाएगी, यहां से निकलेगी, इस बीम के जाते हुए जो भी चीजें आएंगी अंदर वो पूरी इसमें डिटेक्ट हो जाएंगी। तो कुल मिला के जो एक्सरे है, एक्सरे में क्या होता है, सिर्फ 2D व्यू लेता है। एक बार एक्सरे पूरा एक गया, जितनी भी आई सब चीज में 2D दिखाएगा। सीटी स्कैन इसी व्यू को 3D में दिखाएगा। तो प्रिंसिपल जो है इसके ऐसे ही है। प्रिंसिपल मतलब कि जैसे एक्सरे में बताया था हमने, एक्सरे में जो मेटल है, मेटल बिल्कुल जेट वाइट दिखेगा और जो एयर है बिल्कुल जेट ब्लैक दिखेगी। उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो उसके हिसाब से, जैसे सॉफ्ट टिश्यू है, बोन है, बोन भी बिल्कुल वाइट दिखेगी। जो अपना टिश्यू है, टिश्यू ग्रे वाइट दिखेगा, और बाकी वाटर है, वाटर बिल्कुल वाइट दिखेगा लेकिन बोन से कम वाइट दिखेगा, और एयर बिल्कुल जेट ब्लैक दिखेगी। ठीक है, तो कोई भी लीजन है, लीजन को अपन को उसकी जो ग्रे वाइट डिफरेंशिएशन के हिसाब से अपन को उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या है ओवर अदर टेस्ट, एडवांटेज मतलब कुल मिला के इंडिकेशन है किन किन जगह कराया जाता है। सबसे पहला डिफरेंशिएट करने के लिए होता है एक्यूट हेमरेज। एक्यूट हेमरेज डिटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, क्योंकि एक्यूट हेमरेज होता है उसमें ब्लड देखी जाता है, ब्लड बाहर आएगा तो बिल्कुल वाइट दिखने लगेगा। ठीक है, हेमरेज कभी देखा है इसका, सीटी स्कैन देखा है, सीटी स्कैन में शेडो बन जाती है उसकी, वाइट शेडो आएगी, अलग से एक वाइट बीच में पैच आने लगेगा उसमें सीटी स्कैन का। फिर दूसरा इसका इंडिकेशन का यूज करते हैं अपन, कोई भी चीज जो कि अपन को एक्सरे से कुछ कंफ्यूजन है या फिर सोनोग्राफी में कुछ कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए सीटी स्कैन का एक वो है, बेसिक एडवांटेज है कि एक छोटी सी जगह में भी लगाया जा सकता है और इसमें कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी के अलावा। सिर्फ प्रेगनेंसी एक ऐसा जो है जिसमें प्रेगनेंसी में भी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर प्रेगनेंसी में भी अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो प्रेगनेंसी में भी अपन करा सकते हैं सीटी स्कैन। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है, जैसे एक्सरे में एक्सरे बीम आती है, सीटी स्कैन में क्या है मल्टीपल बीम्स आएंगी। मल्टीपल बीम्स आएंगी तो अपन को एक्सरे जो बीम्स का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा होगा। आगे ये एक तो प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए कंजनाइटल मॉलफॉर्मेशन करा सकता है या फिर कोई आगे कैंसर वगैरह पैदा कर सकता है ना, म्यूटेशन हो सकता है उसमें, कैंसर हो सकता है। तो यही इसके डिसएडवांटेज है, बाकी इसके अलावा ये है। इसके अलावा ये छोटी सी जगह में कराया जा सकता है। MRI में क्या है, MRI के बहुत सारे कंट्राइंडिकेशन है। MRI हर किसी जगह छोटी जगह में अपन को नहीं सेटअप कर सकते, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके डेंटल है, कोई उसको आर्टिफिशियल कुछ पहना हुआ तो नहीं है, मेटल डिटेक्ट मेटल वगैरह कोई सब्सटेंस नहीं पहना है। सीटी स्कैन में ऐसा कुछ नहीं है, सीटी स्कैन आराम से किसी भी जगह पर कराया जा सकता है और MRI से थोड़ा कम स्पेसिफिक है। एक चीज नहीं है, सिर्फ सीटी स्कैन में जो बोनी चीजें हैं, बोनी चीजें सब अच्छे से देखती है। कोई भी अपन को फ्रैक्चर देखना है, कोई माइनर फ्रैक्चर है, नी जॉइंट है, नी जॉइंट में कोई ऐसा माइनर सा फ्रैक्चर देखना हो या फिर कोई और दूसरे भी किसी भी जो जॉइंट में बोनी फ्रैक्चर देखना हो उसके लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू के लिए ये ज्यादा अच्छा नहीं है, तो सॉफ्ट टिश्यू जहां तक देखना है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए देखने के लिए या तो अपन को इसमें कंट्रास्ट यूज करना पड़ेगा। कंट्रास्ट 3 जगह से दे जा सकते हैं, कंट्रास्ट या तो इंट्रावीनस देंगे अगर आपको वीनस कुछ देखना है तो, अगर इंटेस्टाइन में देखना है कुछ तो ओरल कंट्रास्ट देते हैं, और अगर नीचे कोलन में देखना है तो अपन को इनिवर देते हैं, है ना। तो कंट्रास्ट 3 जगह से दे सकते हैं, मेनली कंट्रास्ट सॉफ्ट टिश्यू जो है कहीं का भी हो, चाहे ब्रेन का सॉफ्ट टिश्यू है, चाहे अपन स्पाइनल कॉर्ड का सॉफ्ट टिश्यू है या और कोई सॉफ्ट टिश्यू देखना हो उसके लिए ये बहुत अच्छा नहीं है।
कैंसर वगैरह है, कैंसर जो कैंसर के सेल्स हैं वो अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं इसमें कंट्रास्ट देने से, क्योंकि कंट्रास्ट जो उसको वैस्कुलरिटी देखने के लिए कंट्रास्ट देने के बाद कंट्रास्ट एनहेंस सीटी स्कैन से बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। सीटी स्कैन के कहां कहां का सीटी स्कैन कॉमनली अपन यूज करते हैं, एडवाइस कहां कहां का सीटी स्कैन करते हैं? सीटी हेड, सीटी चेस्ट और सीटी एब्डोमेन, तीन ही सीटी अपन ने अभी तक यूज करे हैं, ठीक है। सीटी हेड का यूज करते हैं, सीटी हेड का दो ही चीजें देखने के लिए यूज करते हैं। पहला, अगर कोई भी पेशेंट एक्यूट सीवीए सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सीवीए में दो चीजें होती हैं, एक होता है हेमरेज और दूसरा होता है इन्फार्क्ट, मतलब जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल या तो फट गई है, फटने से यहाँ से ब्लड बाहर आ गया है, या फिर यहाँ पे क्लॉट हो गया है, क्लॉट होने के कारण जहां की जो सप्लाई होगी ना वो कम वैस्कुलरिटी हो जाएगी, क्या होगा, ब्लड निकला है, ब्लड निकला है इतना पार्ट बिल्कुल वाइट दिखेगा इसका, बिल्कुल जैक वाइट दिखने लगेगा, जैसा जैसा उसकी बोन दिखती ना सीटी स्कैन बोन के जैसा दिखेगा। अगर इन्फार्क्ट हुआ है, इन्फार्क्ट क्या है, शुरुआत में कुछ नहीं दिखता है, जब जैसे जैसे इन्फार्क्ट बढ़ता जाता है तो यहाँ का एरिया क्या है, नेक्रोज होता जाएगा, नेक्रोज होता जाएगा, तो जो नॉर्मल ब्रेन का टिश्यू है जो ग्रे वाइट दिखता था, ग्रे वाइट की जगह वो थोड़ा सा ब्लैकिश दिखने लगेगा, ठीक है, बिल्कुल जैसा नॉर्मल एयर में दिखता है ना वैसा दिखने लगेगा। तो एक्यूट सीवीए में ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे हेमरेज और इन्फार्क्ट को सीटी स्कैन में। इसके अलावा दूसरा कंडीशन होती है कि ब्रेन में कोई इक्सॉल है, इक्सॉल क्या होता है, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये ब्रेन में कोई भी मैलिग्नेंसी वगैरह है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए करेगा, किस टाइप की मैलिग्नेंसी है, बेनाइन है कि बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए करेंगे। एक्यूट ट्रॉमा वाली कंडीशन में है, ट्रॉमा वाले पेशेंट में देखने के लिए, ट्रॉमा में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है और भी कोई वेसल सेसल एसबीएचएस सबड्यूरल हेमरेज इंट्राड्यूरल हेमरेज कोई सब हेमरेज देखने के लिए कुछ है। कोई भी पेशेंट है जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का आया है, जो एलोसो की लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री दे रहा है, उसका अपन को सीटी स्कैन एडवाइस करना है, एक्यूट सीवीए लग रहा है तो सीटी स्कैन एडवाइस करना है, एक सॉल लग रहा है तो एडवाइस करना है सीटी स्कैन। अब सीटी चेस्ट का एडवाइस करते हैं, सीटी चेस्ट अपन जब एडवाइस करेंगे, जब अपन को सबसे पहले तो एक्सरे में कोई कंफ्यूजन आ रहा है, सबसे पहले तो उसको एक्सरे चेस्ट कराएंगे, एक्सरे चेस्ट कराने में या फिर यूएसजी चेस्ट कराया अपन ने, यूएसजी चेस्ट से कोई कंफ्यूजन आ रहा है, एक्सरे चेस्ट में आपको लग रहा है कोई इसको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो सकती है या फिर उसको कोई मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहा है अपन, बाकी एक्सरे में सीओपीडी वगैरह सब दिख जाता है, यूएसजी चेस्ट में अपन को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्लूरल इफ्यूजन है कि नहीं है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। और बाकी अपन को कोविड में बहुत कॉमनली यूज करते थे, कोविड में जो सीटी स्कैन यूज करते थे, तुम लोग कोविड के जो पॉइंट्स हैं 25 बाय स्कोर देखे जाते थे ना, वो स्कोर कैसे देखे जाते थे, इसको है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, राइट लंग को तीन भाग में डिवाइड कर दिया जाए, लेफ्ट लंग को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इसमें क्या होता था, लगातार ये ऐसे बीम बीम ऐसी ऐसी खड़ी खड़ी बीम जाती थी, तो ये एक पार्ट है, ये देख लिया, ये दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार, इसका परसेंटेज निकाला जाता था, हर जो है हर पार्ट को इसने पांच पांच पॉइंट दिए हैं, ठीक है, पांच पांच पॉइंट हो गए 25, ठीक है। अब इसमें स्कोर देखते थे कि इनके व्यू है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, इसको अपन को वैसे दिखेगा, इसमें सीटी स्कैन में कैसे दिखेगा, पूरे लंग्स का ऊपर का लंग्स में जितना भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है इस एरिया में, टोटल इस एरिया का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कितना जितना डैमेज हुआ उसका परसेंटेज निकाला, उसके हिसाब से 1 2 3 4 5 है, ये पांच स्कोर दे दिया अपन ने, पांच में से इसको जितना परसेंटेज हुआ, जैसे कि इतना इन्वॉल्वमेंट लग रहा है तो अपन ने 2% दे दिया, तो 2 3 1 2 3 ऐसे टोटल में लाके अपन परसेंटेज देख लेते थे कितना लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इतना अपन को स्कोर दे देते हैं, जो अपन पढ़ते थे ना कि 14 स्कोर आया था, 25 स्कोर आया था, वो स्कोर इसके हिसाब से रहता था इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है, जल्दी जो लोअर लोब्स है ना, लोअर लोब्स में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था उसमें, तो इनमें पांच पांच इन्वॉल्वमेंट रहता था, इनमें बहुत कम इन्वॉल्वमेंट रहता था, इसमें अगर इनमें भी इन्वॉल्वमेंट है तो पेशेंट की सीवियरिटी और बढ़ जाती थी। अब सीटी स्कैन क्या है, देखना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, सीटी एब्डोमेन जो है, सीटी एब्डोमेन के लिए बेसिक्स एनाटॉमी पता होनी चाहिए, सीटी एब्डोमेन अपन लोग बहुत ज्यादा देखते नहीं है,
सीटी ब्रेन और सीटी चेस्ट, इसको अपन को नॉर्मली पढ़ते आना चाहिए। सीटी ब्रेन में देखने के लिए सिर्फ दो ही चीजें रहती है, सीटी ब्रेन ट्रॉमेटिक पेशेंट में तो अपन देखते नहीं है, ट्रॉमेटिक पेशेंट यूजली अपने पास आएंगे नहीं, अपने पास आएंगे सीवीए वाले पेशेंट। तो सीवीए वाले पेशेंट को अपन को ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि सीवीए में पेशेंट आया है तो उसको हेमरेज है कि नहीं है। यूजली कुछ नॉर्मल कैल्सिफिकेशन होते हैं बॉडी में जो कि वाइड वाइड दिखते हैं, हेमरेजेस दिखते हैं, मतलब जब लगातार सीटी स्कैन देखोगे तब उसको समझ में आएगा कि जो अपना जहां पे नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं कई जगह एज के साथ साथ उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो ये नॉर्मल बोनी कैल्सिफिकेशन है, वो बिल्कुल वाइड दिखता है, ऐसा लगता है कि हेमरेज है, वो नॉर्मल हेमरेज नहीं रहते हैं। और बाकी दूसरे हेमरेज से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है उसको कि एक्यूट सीवियर है कि नहीं है। एक्यूट इन्फार्क्ट में यूजली सीटी स्कैन में कुछ नहीं आता, सीटी स्कैन एडवाइस कब करना रहता है कंडीशन हमने बता ही दिए हैं, जब अगर सीटी ब्रेन है ब्रेन में एक्यूट सीवियर की कंडीशन में एडवाइस करना है, चेस्ट का सीटी स्कैन एडवाइस करना है, तो कोई भी अगर एक्सरे में कंफ्यूजन आ रहा है, कोई लग रहा है मैलिग्नेंसी है, एक्सरे में समझ में नहीं आ पा रहा है, ठीक। और सीटी एब्डोमिन ये सोनोग्राफी में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, उनको सोनोग्राफी में अगर क्लियर नहीं हो पा रही है मार्जिन, कोई सॉफ्ट टिश्यू है या मैलिग्नेंसी है, तो उसके लिए एडवाइस करते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट अपन को डिपेंड करता है कंट्रास्ट देना है कि नहीं देना, अब सोनोग्राफी में जितना दिखेगा उतना सीटी स्कैन नॉन कंट्रास्ट में भी दिख जाएगा, कंट्रास्ट तब दिया जाता है जब अपन को कुछ आगे कंफ्यूजन होगा, कंट्रास्ट भी देखना रहता है। अगर कोई अपन को इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहा है तो ओरल कंट्रास्ट देंगे, तो उसको वहां बोलना पड़ेगा कि उसको कौन सा कंट्रास्ट, सभी लोगों का आना पड़ता है कि कंट्रास्ट जो है रेड रखते हैं यूरिन से निकलेगा, अगर अगर कंट्रास्ट नहीं दिया तो पेशेंट अगर किडनी डैमेज उसकी ऑलरेडी है तो और बढ़ा देगा, तो यूरिक एसिड नॉर्मल होना जरूरी है उसका उसी दिन का।